डीजो की तरफ से भी रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं डीजो वायरलेस पार नेक बैंड इसका लॉन्च प्राइस था ट्रिपल नाइन रुपीज जिन्होंने ट्रिपल नाइन रुपीज ने ग्रैप किया बिल्कुल परफेक्ट बाय कर चुके हैं ऑलरेडी लेकिन अब प्राइसिंग बढ़कर चौदह सौ रुपए हो चुके हैं और अगर आपको डिटेल अनबॉक्सिंग रिव्यूज देखना है तो यहाँ पे लिंक पर आप चेकआउट करके देख सकते हैं वीडियो ऑलरेडी लाइव हो चुका है और उस वीडियो में मुझे काफी कमेंट्स आए थे कि उसको कंपेयर करना चाहिए रियलमी बर्ड्स वायरलेस टू नियो के साथ और कंपेरिजन बिल्कुल बनता है वो क्यों बनता है आपको वीडियो में आगे एक्जेक्टली पता चल जाएगा सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे दोनों के बेसिक डिफरेंसेस फिर हम चेक करेंगे दोनों की बिल्ड क्वालिटी साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस एंड तक पॉजिटिव पॉजिटिव डिसाइड कर ही लेंगे वैसे कि विच वन इज बेटर एंड विच वन यू शुड बाय सो होप यू लाइक दिस वन एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल हिट द लाइक बटन कमेंट शेयर एज मच एज पॉसिबल सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल सो लेट्स इट स्टार्ट इट सबसे सब पहले हम चेकआउट करते हैं दोनों के बेसिक डिफरेंसेस सो यू कैन सी कंपेयरिंग द डीजो वायरलेस पार विद रियलमी बर्ड्स वायरलेस टू नी और नेक बैंड डीजो में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.2 टेक्नोलॉजी मिलेगी रियलमी आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलेगा दोनों में ही आपको आईपीएस फोर वॉटर एंड स्वेट रजिस्ट्रेंट फीचर मिलेगा दोनों में ही आपको इलेवन पॉइंट mm के बेस बूथ से ड्राइवर्स मिलेंगे दोनों में ही आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ का फीचर भी मिल जाएगा एंड दोनों में ही आपको डुअल डिवाइस फास्ट स्विचिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा एंड दोनों में ही आपको एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर मिलेगा फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस बैटरी बैकअप की बात करेंगे दोनों में आपको अप्रोक्सीमेटली सत्रह से अठारह घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज एंड दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है एंड डीजो वायरलेस पार का प्राइस अप्रोक्सीमेटली चौदह सौ रुपए एंड रियलमी बर्ड्स वायरलेस जो नियो का प्राइस अप्रॉक्सिमेटली पंद्रह सौ रुपए सो यार देखा जाए दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं दिया गया है जो जो आपको स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं डीजो में वही आपको रियलमी में बट डीजो में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है बाकी कोई एनहेंसमेंट नहीं दिया गया है फीचर्स में दोनों में आपको बिल्कुल इक्वल स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे बात करेंगे लुक एंड फील की सबसे पहले हम करते हैं डीजो वायरलेस पार को इसमें आपको डिसेंट सा लुक एंड फील का नेकबैंड मिल जाएगा रबर क्वालिटी जो दी गई है बिल्कुल आपको नेकबैंड की प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगी फ्लेक्सीबल तरीके से यूज कर पाएंगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर एंड जो नेकबैंड में टेस्टर यूज किया गया है थोड़ा अलग

बात करेंगे रियलमी बर्ड्स वायरलेस टू नी और नेकबैंड की जो इसका लुक एंड फील दिया गया है इसका भी बिल्कुल आपको अच्छा लुक एंड फील मिल जाएगा इसकी भी जो रबर क्वालिटी दी गई है बिल्कुल सही तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी फ्लेक्सीबल कर पाएंगे एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे पर्सनली रियलमी का थोड़ा बहुत बेटर लगता है जो येलो और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन रियलमी के जो थीम है वो मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता है कंपेरेटिवली एंड जो टेक्सचर मटेरियल यूज किया गया है, वो भी आपको बिल्कुल प्रॉपर टेक्चर देखने को मिल जाएंगे इसके बटन कंट्रोल्स के एरिया में ये भी अच्छा लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं और इसमें भी आपको ऑन ऑफ का फीचर मिल जाएगा जो कि अच्छे तरीके से करता है बर्ड्स भी आपको बिल्कुल बेसिक रियलमी की तरह फील के मिल जाएंगे एंड ओवरऑल इसका भी बिल्कुल डिजाइन जो है जस्टिफाई करता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी भी बिल्कुल आपको प्रॉमिसिंग मिल जाएगी पर्सनली यार दोनों में से मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी दोनों की बिल्ड क्वालिटी को लेके कंफर्ट को लेके और सिक्योर फिट को लेके बट जैसे कि मैंने आपको बताया बिल्कुल हैवी वर्कआउट्स करते हैं दोनों में आपको सच कोई ईयर फिन तो मिलने वाले हैं नहीं कानों को सही तरीके से पैक करते हैं बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट फिट नहीं मिल पाएगा हो सकता है बाई चांस अगर आप हेवी वर्कआउट्स करते हैं ज्यादा रनिंग करते हैं तो कभी कभी कानों से गिरने के चांसेस हैं लेकिन नेक बैंड है तो वापस आप लगा भी सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन पर्सनली मुझे थोड़ा बहुत लुक एंड फील है मेरे को थोड़ा बहुत बेटर लगता है रियलमी का एज कम्पेयर टू डीजो लुक एंड फील को लेकर टेक्स्चर के हिसाब से आपको कौन सा पर्सनल प्रेफरेंस है वो आप भी डिपेंड करता है

से क्या हो डबल प्रेस से क्या हो ट्रिपल प्रेस से क्या हो सब आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने कन्विंस के हिसाब से दोनों ही नेकबैंड में दोनों में ही आपको इक्वली बिल्कुल एप्लीकेशन सपोर्ट अच्छे तरीके से वर्क करता है सो so इसमें भी आपको दोनों में ही इक्वल मिलेगा एप्लीकेशन का सपोर्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं दिया गया है इस चीज को लेकर भी बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की दोनों में आपको मिल जाएगा डेडिकेटेड गेमिंग मोड कंपनी क्लेम करती है आपको 88 से आपको लो लेटेंसी मिलने वाली है दोनों में ही और गेमिंग में आपको ज्यादा खास फर्क नहीं मिलने वाला है दोनों में आपको अच्छी गेमिंग मिल जाएगी और डीजो मेरे को थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मतलब मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस लगा थोड़ा सा मुझे बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिला लेटेंसी मुझे थोड़ी और कम लग रही थी एज कंपेयर टू रियलमी लेकिन

यहां पर भी दोनों में आपको 11.2 mm के बेस बूस्टेड ड्राइवर्स मिल जाएंगे फुल वॉल्यूम पे आप दोनों को डेफिनेटली सुन पाएंगे अगर आप लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं मैटलिक और जो बोलते हैं ना सराउंडिंग एनवायरमेंट के साथ म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं दोनों में से आप किसी को भी ऑप्शन में रख सकते हैं बिल्कुल आपको जो वोल से क्लैरिटी है इंस्ट्रोमेंट का सेपरेशन आपको अच्छा मिल जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत बोलते ना हल्का सा मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा जो क्लैरिटी है थोड़ी बहुत क्लैरिटी को लेकर मेरे को थोड़ा बहुत बेटरमेंट लगी रियलम में एज कम्पेयर टू डीजो लेकिन आप बिल्कुल घोर से सुनेंगे बिल्कुल ध्यान देकर तब को तब आपको लग सकता है हल्का फुल्का डिफरेंस लेकिन ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है देखा जाए तो दोनों में आपको अलग अलग मोड्स भी मिल जाएंगे एप्लीकेशन के सपोर्ट के थ्रू आप अलग अलग कस्टमाइजेशन करके आप सेट करके अपने हिसाब से म्यूजिक आउटपुट ले पाएंगे सो तो यहां पे भी यार दोनों ही बिल्कुल आप बोल सकते हैं इक्वली म्यूजिक पार्ट को लेके और बेस पार्ट को लेके भी बेस आपको दोनों में ही अच्छा सराउंडिंग मिल जाएगा दोनों में ही आपको बिल्कुल ओवर पावरफुल बुस्टिट बेस नहीं मिलने वाला है बेस मोड में अगर आप सुनेंगे तो आपको सराउंडिंग अच्छा पंचिंग बेस मिल जाएगा बेस में मुझे ज्यादा खास डिफरेंस नहीं लगा दोनों में आपको इक्वली बेस मिल जाएगा बात करेंगे कॉलिंग की दोनों में आपको मिलने वाला है एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर यार मुझे पता नहीं क्यों ना हंसी आ रही है बोल बोल के बार बार दोनों में आपको क्योंकि सब चीज एक्जेक्टली ही मिलने वाली है पता नहीं कि कंपनी ने ऐसा करती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हैं कि अलग अलग ब्रांड्स के नाम से अलग अलग आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्पेसिफिकेशन को देके अलग अलग चीजें लॉन्च करते रहते हैं ताकि जो मार्केट में आपका जो हलचल है वो बना रहे ब्रांड का लेकिन जो आउटपुट है यार मुझे पर्सनली दोनों में सेम ही लग रहा है इसमें दोनों में आपको मिलने वाला है एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर कॉलिंग एक्सपीरियंस और कॉलिंग दोनों में ही आपको अच्छी मिल जाएगी इंटर आउटर कंडीशन दोनों में ही बैकग्राउंड की नॉइस ऐसी हो सकता है ट्रैफिक कंडीशन में ज्यादा सुनाई दे सामने वाले को सो so है ट्रैफिक में तो थोड़ी बहुत दिक्कत फेस हो सकती है लेकिन अगर आप नॉर्मल आउटडोर कंडीशन में है, दोनों में ही आपको अच्छी कॉलिंग मिल जाएगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाई करती है दोनों की ही कॉलिंग फीचर सर ये तो हो गए सारे के सारे डिफरेंसेस एंड ऑफ द डे देखा जाए दोनों में आपको कोई खास डिफरेंस नहीं दिया गया है सिर्फ सौ रुपए का डिफरेंस है डीजो आपको चौदह सौ में मिल रहा है रियलमी आपको मिल रहा है पंद्रह सौ में। फील का थोड़ा डिफरेंस है एक का तो आपको में मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, लेकिन जो आउटपुट है का, बेस का, कॉलिंग का और गेमिंग का आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे गौर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको उन्नीस का फर्क दोनों में कहीं ना कहीं लग सकता है लेकिन जैसे डिफरेंस बता दिया में तो यार ओवरऑल देखा जाए दोनों में खास डिफरेंस डिसीजन मैटर करता है मैं पर्सनली मेरे को जो लुक एंड फील है थोड़ा बहुत जो रियलमी का कलर कॉम्बिनेशन मुझे बेटर लगता है एज कम्पेयर टू तो डिजो ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था लुक एंड फील को लेकर लेकिन आउटपुट को ले आप दोनों में से किसी को भी में रख सकते हो लुक एंड फील आपको कौन सा पसंद है उस आप ऑप्शन में रख सकते हैं अब मैंने सब बता दिया कंपनी ने क्या किया है और कैसे डिफरेंसेस हैं दोनों में हालांकि ज्यादा खास डिफरेंसेस नहीं है बस लुक एंड फील का ही डिफरेंस है और सौ रुपए का डिफरेंस है दोनों के पॉसिबल लिंक्स दे दिए मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं